कि कुछ गुंडे आएंगे, मैं साफ साफ आपके चैनल पे बोल देता हूं कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ और उसकी जो एफिलिएट्स हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के कुछ गुंडे आएंगे आपके घर पे, वो आपके साथ मारपीट करेंगे, आपके घर वालों के साथ मारपीट करेंगे, और उसके बाद वो चले जाएंगे और देखो, आप ही हमसे के कोई विरुद्ध कठिन एफआईआर यहाँ बैठे करेंगे। हुए नहीं है जो आपके इस सवाल का जवाब दे। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा देखिए, लेकिन लेकिन देश का एफिलिएशन जो संविधान तो जो मुझे, होता है, देश का संविधान तो मुझे एक राइट देता है आपके चैनल पर अपनी बात बोलने का, तो मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात बोल रहा हूं। लेकिन वही बात है कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात पसंद नहीं आई, मान लीजिए जो देख रहा है वो, और वो एबीवीपी या आरएसएस से एसोसिएटेड है, तो उस वो संविधान से ऊपर हो जाएगा और वो आके मेरे घर पे कुछ भी बदतमीजी करेगा, तो ये, और वो टॉलरेबल है सरकार को और पुलिस लेकिन को, क्योंकि देखिए पुलिस, निशान जी केवल तो इस टॉलरेंस को, जो एक भारत का एक फैब्रिक था ना, प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का, इसको तोड़ कौन रहा है? आप ये देखिए ना, इसको तोड़ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, और इन संकीर्ण मानसिकता में ओवैसी साहब भी आते हैं, और इस संकीर्ण मानसिकता में नहीं, आरएसएस भी आती है, और आरएसएस उसके बीजेपी एफिलिएट्स वाले भी आते आते हैं, हैं। ओवैसी साहब थोड़ी आते हैं। आपने तो अभी नहीं, क्यों नहीं बोला आते? आरएसएस बीजेपी वाले आते मैंने हैं। बोला नहीं, वो ऐसे चले आपका जाते पूरा हैं। फोकस था देखिए, कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता क्वेश्चन केवल मेरे ये बोला आरएसएस है, और बीजेपी की है, नहीं बिल्कुल है, वो मैं मान बोल रहा हूँ लीजिए। ना, मैंने बिल्कुल उठा दिया आपकी है, तरफ आरएसएस की से। भी है, अरे दिल की बीजेपी की बात भी है, बोल कांग्रेस की दीजिए, भी है, मैं स्वतंत्रता बोल रहा ये हूँ किसी बीजेपी है, बात, शर्माइए मत, बोल मैं दीजिए बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये संकीर्ण आरएसएस, मानसिकता केवल आरएसएस और बीजेपी की है। आप सही बात बोल रहे हैं, मिश्रा जी, आरएसएस मिश्रा जी, बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता है, ओवैसी साहब की भी संकीर्ण मानसिकता है, और ओवैसी साहब जो है और उनकी पार्टी आपका जो है हृदय वो बड़ा आपकी विशाल पार्टी, है, आपका उनकी हृदय पार्टी, बड़ा मिश्रा जी विशाल ऐसे है। इंटरव्यू मत दीजिए, क्योंकि ऐसे कहां इंटरव्यू मत निकालती दीजिए। हूँ, अनपढ़ नहीं हूं मैं आपकी तरह, अगर आप अनपढ़ होंगे मुझे नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, अरे मैं पढ़ा आप बहुत पढ़ा पढ़े लिखा लिखे हैं, आदमी हूँ, दिख रहा है, मैं दिख पढ़ा रहा लिखा है। आदमी हूँ, मुझे नहीं आप फर्क लोग तो पड़ता सब कि अनपढ़ दूसरा, बैठे हैं ना, आप ही पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल बाकी सब अनपढ़ यहाँ बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, प्रेम क्योंकि आप कुमार जी से लोगों लेके और पर, सारे लोग लोगों अनपढ़ का, हैं, नहीं, पता नहीं कहाँ आप से बैठे अनपढ़ हैं, हैं आगे निशान जी, कहाँ की आपकी आवाज भी शैली साफ नहीं लेके आ बैठे रही, हैं आपकी आप, आपकी बोलने और की किसी शैली की से डिग्री लग रहा नहीं है है। आपकी मिश्रा जी, आप आवाज मुझसे निशान उम्र में जी बड़े थोड़ी हैं, इम्प्रूव कर आ अरे रही सर है, आप कट सबको करा रही अनपढ़ है। बता रहे हैं, मैं नहीं, तो मिश्रा सिर्फ जी आपकी बोलने बोलने की की शैली शैली पे पे तो, तो मिश्रा आपने जी सबको आपकी अनपढ़ क्वेश्चन कैसे की बता शैली से दिया? क्या चल रहा है कि आप आप अनपढ़ हैं? सर मुझे भाषा आप शैली का ज्ञान मत दीजिए, आप आपकी मुझे ज्ञान बोलने मत की शैली दीजिए, बता दिया है कि ज्ञान मत ऐसे क्यों दीजिए। लगती है, आपने और आपने लोगों को अनपढ़ गरीब कैसे लोग बता समझना दिया? चाहते हैं सर, इतने विद्वान मिश्रा जी अनपढ़ हैं, साइंटिस्ट यहाँ क्योंकि बैठे आप हैं, आपने अनपढ़ आंसर हैं, बता दिया आप सबको, अनपढ़ आप हैं, और पढ़े लोग लिखे गलत हैं, हैं, आप जैसे लोग, पन्ने आप फांसी जैसे डिग्री लोग लेकर गलत के आए हैं, हैं, आप आप जैसे पन्ने लोग फांसी गलत डिग्री लोग लेकर के विरोध कर आए रहा है, हैं। धर्म क्या की सत्ता कि दलाली आप करते हैं, व्यक्तिगत धर्म क्यों हो की रहे हैं दलाली इतने? करते हैं, आप आप हिंदू धर्म की दलाली अरे करते आप, हैं, नहीं, आप देखिए मेरे आप को शब्दों शब्दों का की प्रयोग दलाली मत कर रहे करिए, हैं, आप आप शब्दों मेरे का को सबसे शब्दों बड़े से सवाल दलाली आप कर रहे हैं। हैं, आप आप पूरे मेरे को शब्दों पैनलिस्ट को हैं, रोकता हूँ, ये सही दिशा में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप पैनलिस्ट व्यक्तिगत ये होके एक पूरे दूसरे, पैनलिस्ट को अनपढ़ तो बता रहे हैं, इतने बड़े आप फिर विद्वान रुकिए हो ना गए मिश्रा हैं, जी, आपको म्यूट करते हैं, आप अनम्यूट क्यों कर आपको रहे बता हो, रहा हूं, बाकी सबको नहीं बता बोलो रहा, तो। सुरेंद्र दुबे की अरे थी आप मैं, अपनी पुरानी भाषा शिक्षक शैली हैं, पे ध्यान सुरेंद्र दीजिए, कुमार जी से मेरे पुराने रिश्ते हैं, उनको नहीं मिश्रा बता जी रहा, फिर बता रहा मैं स्कूल उनको, जाइए और आपको पढ़िए, आप बोल फिर रहा से हूँ, स्कूल आपको जाइए बोल और रहा हूँ मैं, पढ़िए, आपको आपको पवित्र सुरेंद्र कुमार शिक्षा की पढ़, जरूरत है। मैं मैं अशोक भारती जाइएगा सर के पास आना चाहता हूँ, दोनों आपने सुरेंद्र कुमार पर, पीछे मुझे ऐसी बताइए, हंसी करके बात बैठे कंप्लीट हैं, कर पता दीजिए, नहीं मेरे कहाँ से चुनाव में पढ़ के चले आए जाऊंगा, हैं। अगर इस अशोक तरह के भारती लोग सर बैठे कुछ हैं जा तो मैं रहा है, चला बता जाऊंगा कुछ वहां से। और रहे हैं, अशोक क्वेश्चन भारती और सर, आंसर का कोई कोरिलेशन ही अशोक नहीं है, भारती सर और पढ़ा आपके पास आ रहा हूँ, ये नहीं, मैं क्योंकि अशोक हम भारती धर्म की सर के पास दलाली, आ रहा हूँ। धर्म की दलाली नहीं करते ये ना, इनकी निशांत चुनाव आंटी जी इसमें, आप रुक जाइए प्लीज, मेरे व्यक्तिगत धर्म, मैं मैं अशोक अशोक जी मैं भारती आपको, का, मैं मेरे हिंदू व्यक्तिगत धर्म मत की होइए, दलाली मैं नहीं अनुरोध करेंगे कर नहीं रहा मेरे, हूँ, इज्जत से आप बात करो, व्यक्तिगत दोनों मत से मैं होइए, चुप मैं रहने अनुरोध के लिए कर रहा तैयार हूँ हूँ, चाटी जी आपसे, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपनी मत बात पे होइए, कायम हूँ, मैं आप अपनी बात पे व्यक्तिगत कायम मत हूँ, भला होइए, मेरा अनुरोध है, उखाड़ लेना जो, अरे अनपढ़ जवान उखाड़ लेना जो उखाड़ना हो, समझे कि कितना नहीं। विनम्र अनुरोध ठीक है, करते, तो हाँ मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो मिश्रा प्रेम जी से कुमार जी और जो, दुबे जी, जो भी हमारे पूर्वज थे, किसी भी जाति के रहे हों, जो चिंतक थे, कबीर दास जी ने, देखिए मैंने बोला कि ये घटना स्पॉन्टेनियस थी, शब्दों के कारण ये हुआ है, ना कि जाति के कारण, वो दलित थे, कंटेंट के कारण हुआ है। कबीर दास का कंटेंट देखिए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचर मुल्ला भाग दे का बहरा हुआ खुदाए, मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, शब्दों में कहीं अनादर नहीं है, शब्दों में अनादर होगा तो शिक्षकों के साथ या किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, मैं उसका घोर निंदक हूं। मैं ये बोलूंगा, हमारे अभी एक नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, अब मैं बोलूं भाई लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, तो क्या मैं मुलायम सिंह यादव की भाषा को कोट कर सकता हूं कि भाई लड़कों से गलतियां हो जाती है? नहीं,
निंदनीय है, व्यवहार निंदनीय है, किसी को भी पीटना अटैक करना, लेकिन जो बड़ा तबका है, अगर आप इस विषय पर हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके।